हेलो एवरीवन, अभी हम एवरेज का टॉपिक कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं, आज के अपने लेक्चर की ओर। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द एवरेज एज ऑफ 45 स्टूडेंट्स, एवरेज एज ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन आ क्लास इज 64 kg। The weight of three students was wrongly entered as 130 kg, 110 kg and 90 kg instead of 40 kg, 60 kg and 50 kg respectively. Find the actual average weight of the class. तो हमको क्या बोला है, हमें 45 स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा है और फिर बताया है कि तीन स्टूडेंट्स का एवरेज रॉन्गली आपसे ऐड हो गया है, कुछ आपने सही वैल्यू के बजाय आपने कुछ रॉन्ग वैल्यू एंटर कर दी है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल एवरेज वेट क्या होगा क्लास का, ठीक है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपका क्या होता है, एक एवरेज का एक जो आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो एवरेज इक्वल आपका होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में होता है आपका नंबर ऑफ क्वांटिटीज, बराबर है? और इसके साथ ही मैंने आपको एक बात और सिखाई है इसी एवरेज से जुड़ी हुई, कि ये जो आपका एवरेज का सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये सभी जगहों पे नहीं लगता है, मोस्टली आपका 10 to 20% क्वेश्चन में लगेगा। और इसी से आया हुआ एक और फॉर्मूला जो आपका है एवरेज इंटू, देखिए नंबर को अगर इस साइड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम, ये वो एक्स्ट्रा बात है जो मैंने ऐड करवाई थी और यही इंपॉर्टेंट आपका मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके सभी क्वेश्चंस में लगने वाला है। तो अभी आपको क्या बोला है कि एवरेज ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 64 kg। तो अगर आप देखो तो आपको फॉर्मूला क्या है, एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम, नंबर कितना है आपका 45, क्योंकि 45 स्टूडेंट्स है, एवरेज आपका कितना है 64। तो आपका टोटल में कितना आ जाएगा, ये आपका टोटल में आपका जाएगा 64 × 45। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, हम एक काम कर सकते हैं कि इसे हम एट एक सेकेंड ना एक काम कर सकते हैं हम इसे हम 40 + 5 कर ले, इसे हम 40 + 5 कर सकते हैं। ये मैं कर रहा हूँ हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी करने के लिए, कि हमें बहुत, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन आता नहीं 45 और 6 कैसे करके, तो इस तरीके से करें। तो अब देखिए आपको 4 का भी मल्टीप्लीकेशन आता है, 5 का भी आता है, मल्टीप्लाई कीजिए 40 को, 0 आएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24 + 1 आपका जाएगा 25, और प्लस में जब आप 5 से करोगे 64 को, तो देखिए जब भी किसी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका आपका शॉर्ट होता है कि आप उस नंबर को हाफ करके उसमें 0 ऐड कर दो। तो अगर हाफ करके 0 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 320, तो टोटल आपका आ जाएगा 0 6 2 8 5 3 8 और ये आपका आ जाएगा 2880। आपका क्या 2880, ये आपका आ गया टोटल में, टोटल सम आपका आ गया, यानी 45 स्टूडेंट्स को टोटल कितने नंबर मिले थे, को टोटल सॉरी इनका एवरेज वेट कितना था, 45 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आपका था 64, टोटल सम आ गया 64 × 45, तो हमारे पास में टोटल इनका वेट आ गया है। अब इस वेट में देखिए क्या हुआ है, अभी आपका जो 2880 है इसमें आपका दिया गया कि रॉन्गली आपका कितना 130 आ गया है, और जबकि ओरिजिनल में आपका कितना होना चाहिए था, रॉन्गली आपका 130 आया है, ओरिजिनल होना चाहिए था आपका 40। तो 130 आपने ज्यादा इंटर किया ना, क्योंकि ओरिजिनल में आपका कितना था, ओरिजिनल में आपका था 40, हमने रॉन्गली इंटर कर लिया 130, ओरिजिनल में हमारा था 60, हमने रॉन्गली इंटर कर लिया 110, ओरिजिनल में हमारा था 50, हमने रॉन्गली कितना इंटर कर लिया 90, ठीक है? अब हम देखते हैं कि यहां से हमको क्या करना है। यही तो हमारी बात थी, the average weight of 45 students in a class is 64 kg, then the weight of three students का weight आपका wrongly enter हो गया, 130 हो गया, होना कितना चाहिए था 40, 110 हो गया, होना कितना चाहिए था 60, 90 हो गया, होना कितना चाहिए था 50। तो अब देखिए ये जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है उन्हें हमें माइनस करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा हमने कितना ऐड किया था, 130 में से 90 आप करिए, 90 आपने ज्यादा ऐड कर दिया है तो आपको इसे माइनस करना पड़ेगा, 50 आपने ज्यादा ऐड कर दिया है तो ये 50 आपको माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपने क्या किया, 40 ज्यादा ऐड कर दिया है तो 40 आपको माइनस करना पड़ेगा।
तो कुल मिला के 2880 में से आपका माइनस कितना होने वाला है, ये 90, ये 50 और ये आपका 40। तो 2880 में से अभी आपका माइनस होगा, मीन्स आपका जो टोटल सम आया वेट का उसमें से आपका माइनस में जाएगा। ये देखिए 9514 14418, ये आपका कितना आ जाएगा 180। 180 माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 1 गया 7, आपका कितना आ जाएगा 2700। अब सेम वही हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज इनटू नंबर इक्वल में टोटल सम। तो हमारा टोटल सम कितना है, देखिए हमारा जो रॉन्ग वाला टोटल सम था, रॉन्ग नंबर जो हमने लिया था, मीन्स हमने जो रॉन्गली स्प्रेड किया था, हमने रॉन्गली इंटर किया था, तो हमारा 2880 आया था। अभी हमारा सही वाला कितना है 2700। हमारे पास में नंबर बेटा कितने हैं, मीन्स हमारे पास में स्टूडेंट कितने थे 45। अब हमारा एवरेज अभी हमको मिल जाएगा। अब एवरेज इक्वल आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2700 अपॉन में 45, और 45 से आपका जाएगा 4 सिक्सदा, ये आपका सिक्सदा में जाएगा आपका 45 सिक्सदा, 45 2 90, 93 270 और 0। तो अभी बच्चों आपका एवरेज कितना आ गया है, आपका एवरेज आ गया 60 kg। ठीक है, ये तो ये हमारा एक सबसे बेसिक तरीका है निकालने का। हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, हम फॉर्मूले का यूज करते हैं एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम। रॉन्गली स्पेल्ड का जब भी क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिए कि आपका एक्चुअल वैल्यू आपकी कहां पे रिलाई करेगी। रॉन्ग था 130, सही वाला है 40, हमने 90 ज्यादा ऐड किया तो अभी 90 माइनस कर देंगे। हमने 110 लिया जबकि हमें लेना था 60, हमने 50 ज्यादा लिया ना तो 50 को भी हम माइनस करेंगे। हमने 90 ले लिया, हमें लेना क्या था थर्ड वैल्यू 50 लेनी थी, तो हमने 40 ज्यादा लिया तो उस 40 को माइनस कर देंगे। बराबर है इतना। अब देखिए इसी को शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है, ये आपका पूरा एक्चुअल तरीका है कि कैसे बिल्कुल बेसिक से चीजें होती हैं, बट अगर इन्हें शॉर्ट में करना है तो देखिए आप 64 kg वेट है, 64 आपका रहेगा। अब बाद में देखिए वेरिएशन कितना है, आपने 90 ज्यादा किया तो 90 आपको माइनस करना पड़ेगा, आपने 50 ज्यादा ऐड किया तो 50 आपको माइनस करना पड़ेगा, आपने 40 ज्यादा ऐड किया था तो आपको 40 माइनस करना पड़ेगा। बराबर है। और ये सभी वैल्यूज देखिए कितने में से माइनस होंगी, हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं 45, तो इन्हीं 45 में से आपकी माइनस होंगी, तो नीचे में 45 कर दीजिए तो आपका कितना आ गया 64 माइनस, देखिए माइनस माइनस सभी जगह तो आपका माइनस ही आ जाएगा बाहर, और आपका आ जाएगा 9514 14418, 180 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 45, 45 से डिवाइड कीजिए आपका कितना आ जाएगा 4, तो आपका आ गया ये 64 माइनस 4 इक्वल में 60 kg। बराबर है। तो एक तरीका आप ये देखते हैं जो आपका यहां से शुरू होता है, एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम से जाता है आपका, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपका आंसर देता है, और यही तरीका आपका मोस्टली आपके प्री के क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चन हो आपके लगेंगे। ठीक है, बट अगर इसी को आपको शॉर्ट में करना हो तो मैंने आपको शॉर्ट में साइड में और करके लिख के दिखा दिया है ये वाला तरीका। बराबर है। करना क्या है, 45 स्टूडेंट है, सभी का एवरेज 64 है, तो 64 तो रहेगा ही रहेगा। अब बाद में चेंजेस क्या हो रहे हैं बेटा, तो चेंजेस देखो, आपने 130 लिख लिया जबकि आपका होना कितना था 40 होना था, कितना ज्यादा किया आपने 90, अगर ज्यादा किया है तो उसे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 90। बाद में फिर आपने 110 लिया जबकि आना था आपका 60, तो आपने कितना ज्यादा ऐड कर दिया 50 ज्यादा ऐड किया, तो आपको 50 माइनस करना पड़ेगा, देन है आपका 90, और जबकि 90 के प्लेस पे आपको लेना कितना था 50, तो आपने 40 ज्यादा ऐड किया, 40 माइनस कर दिया। अब ये पूरा ही जो आपका ये ज्यादा कम वाला जो खेल हुआ है, ये पूरा होगा कितने पर एक्चुअली, हमारे 45 स्टूडेंट है ना, तो ये पूरे पूरे नंबर आपको आपके पूरे 45 स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करेंगे, तो हमने इसे 45 से डिवाइड कर दिया, 45 for the 180, 64 minus 4 = 60 kg। बराबर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा है आपका, इफ द एवरेज वेट ऑफ 8 सैक्स ऑफ रवा इज 40 kg, 8 सैक्स हैं और वेट उनका कितना है एवरेज वेट 40 kg, द वेट ऑफ 1 सैक इज 55 kg व्हिच इज लीक्ड, जो लीक हो रहा था ड्यू टू द लीकेज, अ न्यू सील्ड 39 kg वेट सैक इज रिप्लेस्ड, देन फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ 8 सैक ऑफ रवा। सेम वही आपका फॉर्मूला, सबसे बेसिक वाला आपका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है,
एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम। आपका देखिए एवरेज वेट कितना दिया आपका 40, नंबर आपके कितने हैं 8 sacks हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 320। अब उसने क्या बोला, द वेट ऑफ 1 sack इज 45 kg व्हिच इज लीक्ड। 55 kg वाला एक जो आपका सैक है वो आपका लीक हो रहा है। ड्यू टू द लीकेज द न्यू सील्ड 39 kg वेट सैक इज रिप्लेस्ड। यानी 55 kg वाला आपका क्या हो रहा था, लीक हो रहा था, तो इसलिए इसे हमने चेंज कर दिया। चेंज किससे किया, 39 kg वाले से। तो आपका क्या होगा इसमें 320 में से देखिए 55 को आप चेंज कर रहे हो, तो 55 को आपने निकाला और फिर आपने कितने केजी वाला आप नया पैकेज डाल रहे हो, नया पैकेज आप डाल रहे हो 39 वाला, तो 39 का एडिशन किया। अभी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 55 और 39 को आप कर लो तो आपका आ जाएगा माइनस का 16, और माइनस 16 यहां से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 304। बराबर है, देखिए 15 में से 9 गया आपका 6 और 4 में से 3 गया 1, और 20 में से 16 जाएगा तो आपका बचेगा 304। और ये बेटा आपके पास में अभी कितने बॉक्स हैं, देखिए एक बॉक्स आपका गया तो एक बॉक्स आपका क्या हुआ आ गया, तो आपके बॉक्स एक्चुअली कितने रहे, आपके बॉक्स एक्चुअली 8 ही रहे। तो अभी आपका नया जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 304, 8 बॉक्सेस है हमारे, बोला है ना। देन फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ 8 sack ऑफ रवा। एक सैक हमारा जो 55 वाला था लीकेज की वजह से गया और 39 वाला एक आ गया, तो हमारा क्या है पूरे पूरे 8 sack हमारे बने रह गए। ठीक है, अब 8 से डिवाइड कर दो, अब कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 8 3 24, 6 बचेगा 8 8 64, तो आपका ये आ जाएगा 38 kg, ऑप्शन नंबर ए। बराबर है, अब देखिए इसी को अगर आप शॉर्ट में करने वाले हो तो आप कैसे कर सकते हो, 40 kg एवरेज है, 40 kg है। अब इसके बाद में आपका जो भी रहा हम देख लेते हैं, प्लस माइनस जो भी होगा, अभी प्लस लगाते हैं, आपका क्या हो वेरिएशन, 55 kg गया और ऐड कितना हो आपके पास में 39 वाला, और ये पूरा पूरा जो इनका जो भी वेरिएशन होगा पूरे हमारे जितने बॉक्सेस होंगे उनको अफेक्ट करेगा। हमारे बॉक्सेस कितने बेटा, हमारे बॉक्सेस हैं 8, तो आपका जाएगा 40, और यहाँ पर देखिए इन दोनों को आप करोगे तो आपका आएगा माइनस का 16, तो ये माइनस का 16/2 आ जाएगा आपका, माइनस 16/8। 55 और 39 को जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा माइनस का 16, माइनस प्लस माइनस 8 2 16, 40 - 2 आपका कितना जाएगा 38 kg। बराबर है, कुछ नहीं करना था, देखिए एक बॉक्स गया 55 kg वाला और एक 39 वाला आ गया, तो हमारे पास 8 बॉक्सेस थे, एक गया तो 7 और एक फिर से आ गया तो कितने हो गए 8। हमने देखा हमारा रिजल्टेंट टोटल वेट कितना आया 304, और टोटल 8 बॉक्सेस हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो हमारा जाएगा 38 kg। बराबर है, अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, The average weight of 50 students in a class was 35 kg. Later it was found that the weight of one of the student was calculated as 5 kg more. Find the actual average weight of the class. Average weight of 50 students in a class was 35 kg. Later it was found that the weight of one of the student was calculated as 5 kg more. अब हमें निकालना है actual average weight of the class. Same वही आप देखिए. Average into number equal आपका कितना होता है total sum. एवरेज आपका था 35, स्टूडेंट का नंबर हमारे पास में है 50, मल्टीप्लाई कीजिए 0 का 0, फिर आपका 35 = 15 और 5 5 = 25, 5 5 = 25 कैरी आया 2, 5 3 = 15 = 17, 1750 आपके पास में आ गया है। अब क्या बोला है कि वेट ऑफ वन स्टूडेंट वॉज कैलकुलेटेड 5 kg मोर था ना, तो एक काम कर इसमें से हम 5 माइनस कर दें, हमारा 5 kg अगर ज्यादा था तो अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें हमको एक्चुअल मिल जाएगा कि एक्चुअल में कितना था इनका टोटल वेट, तो टोटल सम में से हम 5 केजी माइनस करें आपका आ जाएगा 1745। हमसे एक्चुअल एवरेज वेट पूछा है, अब देखिए बच्चों ये आपका 1745 कितने का सम है, हमारे टोटल जो 50 स्टूडेंट्स थे उन्हीं का सम है, ना तो किसी स्टूडेंट को इसने जाने के बारे में बोला और ना ही किसी नए स्टूडेंट को इसने एडमिट किया, तो एक काम करते हैं हमारा एवरेज वेट कितना आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज वेट पूछा है उसने, ये हमारा आ जाएगा 1745 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा 50। बराबर है, 5 से डिवाइड कर लीजिए आप, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 9 = 45, नीचे में एक जीरो है तो एक डिजिट पे आपका डेसिमल आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 34.9 kg, ऑप्शन नंबर ए। बराबर है, तो देखिए आप एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम से अपने सभी क्वेश्चन बना पा रहे हो,
इसमें क्या बोला था, 50 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 35 है, तो टोटल सम क्या आ जाएगा आपका, एवरेज इनटू नंबर निकाल लिया हमने। फिर उसने बोला था कि वेट ऑफ द वन स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 5 kg मोर, यानी हमने 5 kg ज्यादा ऐड कर लिया कहीं, तो उस 5 kg को हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 1745। हमें एक्चुअल एवरेज वेट बताना है, तो एक्चुअल एवरेज वेट मींस एवरेज वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल सम को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज से हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50, 1745 को 50 से डिवाइड कर दिया, हमारा 34.9 आ गया। अब इसी को अगर आप और शॉर्ट में करना चाहो तो आपको कितना होगा, देखिए 35 केजी तो वेट है ही, ठीक है 35 केजी क्या है आपका वेट है। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने 5 केजी ज्यादा ऐड कर लिया है, हमने क्या किया बच्चों, हमने 5 केजी ज्यादा वेट ऐड कर लिया, ठीक है, तो 5 केजी ज्यादा ऐड कर लिया तो हमें अभी 5 केजी माइनस करना पड़ेगा, और ये जो माइनस हो रही क्वांटिटी ये पूरे पूरे एवरेज को अफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे का एवरेज हमारा 35 है, तो अगर पूरे को अफेक्ट करेगी तो इसे हमें पूरे नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो पूरा नंबर मीन्स हमारे पास टोटल स्टूडेंट है कितने 50, 5 से कर दीजिए 5 × 10 = 1/10 आ गया, 1/10 की वैल्यू आपकी डेसिमल में होती है 0.1, 0.1 आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 34.9 kg बराबर है। देखिएगा आप एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम को याद रखिए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, और एक टाइम पर आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए, अपने अंदर कहीं ना कहीं ये जील रखना चाहिए सीखने को लेकर के, कि एक दिन आप अपने सभी क्वेश्चन इस मेथड से भी बनाओगे, बराबर है, क्योंकि नो डाउट जब मैं ये और वाले मेथड से कर रहा हूँ तो आपके लिए छोटे हो रहे हैं, बट मेरी बात याद रखिए एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम आपके सभी क्वेश्चंस में काम आएगा। ये जो शॉर्ट वाला तरीका है मेरा, ये आपका शायद कुछ क्वेश्चन में साथ ना दे, मेंस में जब आपके कॉन्सेप्चुअल जब आपकी लर्निंग होगी, मेंस में जब आपके कॉन्सेप्ट्स की असली परीक्षा होगी, असली टेस्टिंग होगा, तो उस टाइम पे ये और वाले मेथड आपके काम में नहीं आएंगे। तो एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम आप अच्छे से याद रखिए, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ 8 एवरेज एज ऑफ 8 बॉयज, एवरेज एज है 8 बॉयज का, इन द क्लास इज 48 इयर्स, इफ लेटर फाउंड दैट द एज ऑफ 1 बॉय, एज ऑफ 1 बॉय इन द क्लास इज रॉन्गली रिटन एज 28 इयर्स, वेयर एज हिज वेयर एज ही एज इज 18 इयर्स, अदरवाइज उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 18 इयर्स, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द एक्चुअल एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास, हमें बताना है एवरेज एज ऑफ द एक्चुअल एवरेज ऑफ द बॉयज इन द क्लास, ठीक है, हमें एक्चुअल एवरेज बताना है जो रॉन्गली स्पेल्ट है उसे हटा करके, तो सेम वही बेसिक से करते हैं, एवरेज इनटू नंबर इक्वल आपका होता है टोटल सम, एवरेज हमारा है 48, नंबर हमारा 8, तो टोटल सम हमारा हो जाएगा, इसे आप कर सकते हो 10 − 2, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। अब टोटल सम आपको 480 माइनस करना है 96, 480 माइनस 96, 480 में से 100 माइनस कर दो 380, और 380 में 4 ऐड कर दो आपका जाएगा 384, ठीक है, 48 मल्टीप्लाई 8 जब आप करोगे तो आपका कितना जाएगा, आपका जाएगा 384। अब क्या करना है कि रॉन्गली राइट कर दिया 28 जबकि था कितना उसका 18 था, देखो रॉन्गली हमने किया 28, ओरिजिनल हमारा कितना था 18, हमने कितना ज्यादा रॉन्ग कर दिया बच्चों, हमने 10 क्या कर दिया ज्यादा ऐड कर दिया, तो इस 10 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस 10 करें तो अभी हमारा कितना हो जाएगा, ये 374 हो जाएगा। हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द एक्चुअल एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास, हमें कुल मिला के एक्चुअल एवरेज एज बताना है, लोग कितने हमारे 8 हैं, तो 8 से इसको डिवाइड करो, ये आपका आ जाएगा 8 × 4 = 32, फिर आपका बचेगा 54, 8 × 6 = 48, इसके बाद बचेगा आपका 6, 60, 8 × 7 = 85, बराबर है। एवरेज इनटू नंबर करके हमने टोटल सम निकाल लिया, इसके उसने बोला था कि हमने 28 रॉन्गली ले लिया, तो हमने रॉन्गली के लिए ऐसा निशान लगा दिया जबकि करेक्ट कितना था 18, तो हमने 10 ज्यादा ऐड किया ना, तो उसी 10 को हमने माइनस कर दिया, फिर हमारे 8 पीपल हैं, तो उसी 8 से हमने डिवाइड कर दिया, हमको एक्चुअल एवरेज मिल गया। अब इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहो तो आपको कितना होगा, 48 तो रहना ही रहना था, हमने 10 ज्यादा ऐड किया था तो वो 10 माइनस होगा, और ये 10 कितनों को अफेक्ट करेगा, पूरे 8 स्टूडेंट हमारे, तो पूरे 8 को अफेक्ट करेगा ये। अब अगर आप 10/8 निकालोगे तो इसकी वैल्यू आपकी होती 1.25,
और इसे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 46.75, ये आपका एज है, तो आपका आएगा ईयर में, बराबर है, फोर का आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए का क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास इज 56। एक क्लास को 56 एवरेज मार्क मिले हैं। इफ द मार्क्स ऑफ थ्री स्टूडेंट्स पर, मींस थ्री स्टूडेंट्स के मार्क हमारे मिसरेड किए हमने 32, 45 एंड 56, जबकि वो थे इंस्टेड ऑफ 36, 54 एंड 49 रिस्पेक्टिवली, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 24, देन फाइंड द एक्चुअल एवरेज मार्क ऑफ द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने 24, हमें निकालना है एक्चुअल एवरेज, बराबर है। तो हमारा क्या एवरेज मार्क हमारा कितना है 56, हम सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा एवरेज इनटू नंबर इक्वल में क्या होता है आपका बच्चों, ये होता है टोटल सम। एवरेज हमारा है 56, नंबर मींस टोटल स्टूडेंट कितने हैं 24, मल्टीप्लाई करो इसको, 24 6 जा होता है 144, करिए 14, 24 5 जा 120, 120 प्लस 14 आपका आ जाएगा ये 134, कितना जाएगा 134। अब क्या है कि मिश्रित हमने क्या किया, रॉन्ग वाली जो वैल्यू वो है 32, 45 और कितना है 56, राइट वैल्यू वाली वैल्यू हमारी कितनी है 36, 54, फिर हमारा क्या है 49, ठीक है। अब देखते हैं तीनों में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 4 कम ऐड किया था तो हमें 4 ज़्यादा देने पड़ेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 9 कम ऐड किए तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 9 और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर हमने क्या किया 7 ज़्यादा ऐड कर लिया। देखिए 56 और 49 में कितना 7 हमने ज़्यादा ऐड कर लिया, 7 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट हमारा यहाँ से देखिए बच्चों क्या आएगा, 9 में 7 जाएगा 2, 4 2 6, हमें कितना है हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप 6 ऐड कर दो, ये आपका आ जाएगा 1350। और हमें निकालना है एक्चुअल एवरेज, तो एक्चुअल एवरेज कितना हमारे 24 स्टूडेंट हैं, तो हम करते हैं अभी एक्चुअल एवरेज इक्वल हम कर देंगे 1350 अपॉन में 24, बराबर है, 2 से कट कर दें इसे, 2 12 जा 2 6 जा 2 7 जा और 2 5 जा, अब 12 से डिवाइड करिए आपका आ जाएगा 12 5 जा 60, देन 75 आ जाएगा, 12 6 जा 72, देन आपका 30 आ जाएगा, देन 12 2 जा 24 और 12 5 जा 60, आपका आ जाएगा 56.25 ऑप्शन नंबर ए, बराबर है। कुछ नहीं करना है, क्या कर रहा है, एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम, 56 एवरेज था, 24 स्टूडेंट से हमारे क्लास में दिया हुआ है, कर दिया हमारा क्या 1344। अब जो रॉन्गली हमने लिया, रॉन्गली हमने लिया 32, राइट क्या वैल्यू क्या थी 36, तो हमें 4 और लेना पड़ेगा। अब देखिए रॉन्ग हमने लिया 45, हमें लेना चाहिए था 54, तो हमें इनका डिफरेंस मिल गया 9 ऐड करना पड़ेगा, रॉन्ग में हमने लिया 56, एक्चुअल में था 49, तो क्या हुआ हमने 7 ज्यादा ऐड कर दिया, तो हमें 7 कम करना पड़ेगा। रिजल्टेंट में हमें क्या करना है, रिजल्टेंट देखिए 9 माइनस 7 2 आएगा, 4 प्लस 2 6, 6 ऐड करना है, 6 ऐड कर दिया हमारा आ गया 1350। अब इसके बाद एक्चुअल एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे टोटल सम अपॉन में नंबर, नंबर हमारा 24 था, 24 हमने डिवाइड किया 56.25 आ गया आपका। अगर आप इसे और वाले मेथड से शॉर्ट में करना चाहो तो कितना है आपका एवरेज, पहले 56 था, 56 रहेगा, और इसमें से जो भी माइनस प्लस होना हम प्लस करके लिखते हैं, अभी देख लेंगे सिंबल क्या होगा आपका, ये क्या होना है, ये आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आपका आएगा प्लस का 6, और ये पूरा कितने को इम्पैक्ट करेगा, पूरे 24 स्टूडेंट्स हैं तो सभी 24 को इम्पैक्ट करने वाला है ये, तो 56, और देखिए 6 बंदा 6, 6 4 24, 1 बाय 4 की वैल्यू होती है आपकी 0.25, तो आपका आ जाएगा 56.25 आंसर, बराबर है। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों आप, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये है, एवरेज ऑफ 31 नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाय 1 व्हेन टू नंबर्स विद द एवरेज ऑफ 31.5 रिमूव्ड। एवरेज ऑफ 31 नंबर्स डिक्रीज्ड बाय 1 व्हेन टू नंबर्स विद द एवरेज 31.5 रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप, देन फाइंड द एक्चुअल एवरेज ऑफ 31 नंबर्स। अब देखिए सेम वही आपका फार्मूला, एवरेज इनटू नंबर इक्वल आपका कितना होता है टोटल सम। हमारे पास में नंबर्स कितने बच्चों, हमारे पास में 31 नंबर्स हैं, 31 हो गया, एवरेज हमें नहीं मालूम है तो हम क्या कर लेंगे एक्स मान लेंगे, तो हमारा टोटल सम बच्चों कितना आ जाएगा 31x। अब क्या बोल रहा है कि एवरेज
डिक्रीजेस बाय वन, एवरेज हमारा वन से डिक्रीज कर जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब ये कब डिक्रीज करेगा, व्हेन टू नंबर्स विद द एवरेज ऑफ 31.5 रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, जब हमारे टू नंबर्स रिमूव कर दिए जाएंगे, 31 था, टू नंबर रिमूव करेंगे तो कितना नंबर बचेगा हमारे पास, 29 बचेगा, बराबर इतना हो गया। अब सामने देखिए टोटल सम में कितना बदलाव आएगा, टोटल सम हमारा 31x था, फिर क्या हुआ, टू नंबर्स विद एवरेज 31.5 रिमूव्ड, 31.5 जिनका एवरेज था उन्होंने रिमूव कर दिया, मींस क्या हुआ, इसमें से माइनस हो रहा है। 31.5 देखिए एवरेज है, दो नंबर का एवरेज 31.5 है, तो सम कितना होगा बच्चों, 31.5 मल्टीप्लाई बाय 2, बस इतने से हो गया इसका क्वेश्चन। अगर यहां तक समझ में आ गया तो फिर आगे क्या है, यहाँ पर इक्वेशन एक बार जब फॉर्म हो जाती है मैथ में तो फिर उसके आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, मींस देन आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट आप उतने अच्छे से आंसर निकाल सकते हो। क्या बोला था उसने, देखिएगा, उसने बोला है एवरेज ऑफ 31 नंबर्स, तो 31 नंबर हो गया डिक्रीज्ड बाय 1, 1 से डिक्रीज होगा, तो हमने क्या किया, पहले हमने उनका एवरेज x मान लिया, तो 31 एवरेज इनटू नंबर को टोटल सम, हमारा टोटल सम कितना आ गया, 31x। अब बोला है डिक्रीजेस बाय 1, एवरेज 1 से डिक्रीज होगा, ठीक है हमने 1 से डिक्रीज कर दिया, तो हमारा नया एवरेज कितना आ गया, x माइनस 1। अब ये होगा कब, व्हेन टू नंबर्स विद द एवरेज ऑफ 31.5 रिमूव्ड, दो नंबर रिमूव कर दिए गए, तो अभी नंबर कितने बचे, 31 माइनस 2 इक्वल में 29 फ्रॉम द ग्रुप। फाइंड द एक्चुअल एवरेज ऑफ 31 नंबर्स, हमें एक्चुअल एवरेज बताना है 31 नंबर का, जो हमने क्या माना था, x, तो हमें कुल मिला के x की वैल्यू बतानी है कितना आएगा। तो यहाँ पर जो हमने ये किया x माइनस 1 इंटू 29, तो टोटल सम में हमारा क्या चेंज आएगा, 31x पहले था, अब इसमें से माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, टू नंबर्स विद द एवरेज ऑफ 31.5, अगर दो नंबर का एवरेज 31.5 है तो हमारा उनका सम क्या होगा, हमारा क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम। तो अगर हमारा दो नंबर का एवरेज 31.5 है, ठीक है, अगर हमारा दो नंबर का एवरेज 31.5 है तो इनका टोटल सम कितना होगा, 31.5 मल्टीप्लाई बाई 2, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बराबर है, सॉल्व करते हैं इसे आगे। अब देखिए ब्रैकेट में जब का मल्टीप्लाई होगा तो आपका 29x माइनस 29 इक्वल में आपका आ जाएगा 31x माइनस में आपका आ जाएगा 31, 2 जा 62 प्लस 1 आपका आ जाएगा 63। अब देखिए 29 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा, ये आपका आएगा 2x और 63 इधर आएगा तो 63 माइनस में 29, तो x इक्वल आपका आ जाएगा 13 में से 9 गया 4, 5 में से 2 गया 3 अपॉन में 2, x इक्वल बच्चों आपका कितना आ गया है, 17, तो यही आपका हो गया है आंसर ऑप्शन नंबर ए, बराबर है। अब यहां पर देखिए आप और वाला मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे ही आपके नंबर्स गायब होते हैं आपके वेरिएबल्स में खेलना चालू करता है एग्जामिनर, आपकी जो भी शॉर्ट ट्रिक होती है वो धरी की धरी रह जाती है वहीं पर। वो शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बल्कि इसी एवरेज इंटू नंबर का एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है बस। तो आप एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम याद रखो, अच्छे से क्वेश्चन अपने प्रिपेयर कर लो, इसके लिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, उस अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो आपकी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे उन्हें पकड़ करके उन्हें समझ करके आपको इक्वेशन बनानी है, क्योंकि एक बार इक्वेशन बनी तो फिर आपके क्वेश्चन आपसे उड़ने लगेंगे अच्छे से। हो गया यहाँ तक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरेज एज ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 48 इयर्स, एज ऑफ 3 पर्संस आर मिस्टेड एज 48 इयर्स, 32 years and 28 years. Instead of 42, 23, 35 years respectively, what is the actual average? जो अभी तक करते आ रहे हैं, same वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है? तो हम एक बार इसको average into number से बनाएंगे और एक बार हम इसे short से बनाने की कोशिश करेंगे। Average into number equal आपका होता है total sum. Average कितना है आपका बच्चों? 48. Number means आपके student कितने हैं? Average है 48, student है आपके 10. तो टोटल सम आपका हो गया है 480, बराबर। अब दिया हुआ है 3% मिसरेड, मिसरेड होने वाली वैल्यू आपकी कौन सी, उसे क्रॉस में लिखते हैं क्योंकि गलत वैल्यू है आपकी 48, 32, 28, इनके स्पेस पे होना क्या था, यानी राइट वाली वैल्यू 42, 23 और कितना 30। अब इनके वेरिएशन चेक करते हैं कि कितना हुआ है, 48 आपने कितना 6 ज्यादा लिख दिया है ना, 6 ज्यादा लिख दिया तो 6 को आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पर आपने 9 एक्स्ट्रा लिख दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको 9 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने 23, हाँ
यहाँ पर आपने +6 लिखा तो आपको करना पड़ा, यहाँ पर आपने 9 एक्स्ट्रा लिखा था इसलिए 9 माइनस करना पड़ा, यहाँ पर आपने 2 कम लिखा है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। रिजल्टेंट कितना आएगा आपका, 9 में से 2 गया, आपका बचेगा 7, 7, 6, 13। रिजल्टेंट आपका आएगा बच्चों माइनस का 13, रिजल्टेंट आपका आएगा माइनस का 13। तो एक काम करिए इसमें से माइनस 13 कीजिए, ये आपका आ जाएगा 20, ये आपका आ जाएगा 467। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 1 गया 6, बराबर है। हमें एक्चुअल एवरेज बताना है तो एक्चुअल एवरेज आपका कितना होगा, देखिए टोटल सम आपका जो राइट वाला है वो कितना है 467। अब टोटल नंबर हमारे पास में कितने हैं 10, 10 से डिवाइड करने का तरीका बहुत ही अच्छा, क्या करते हैं लास्ट से वन डिजिट पे डेसिमल लगा देते हैं, 46.7 ईयर्स आंसर, बराबर है। और वाले मेथड से करते हैं तो क्या करना है, 48 है तो 48 रहेगा ही रहेगा, प्लस लगा देते हैं फिर आगे देखते हैं जो भी आपका होना है। आपका वेरिएशन देखिए बच्चों कितना आया था, माइनस का 13, और ये चेंजेस पूरे 10 पर करेगा तो 10 से डिवाइड, तो ये आपका कितना आ जाएगा 48 माइनस में 1.3, 1.3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 46.7 आंसर, बराबर है। तो आपका ये आ गया 7 का ऑप्शन नंबर ए। क्या करना था देखिए, जब एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम लगाएं तो 48 एवरेज है, 10 पीपल हैं, टोटल सम कितना आ गया 480। अब उसने कुछ रॉन्गली यानी कुछ मिसरीड करके उसने लिख दिया है, 48 लिखा जबकि हमारा ओरिजिनल में कितना होना था, ओरिजिनल में हमारा था 42, बराबर है। तो हमने 6 ज्यादा ऐड कर दिया तो 6 माइनस कर दिया, यहां पर क्या था हमने 32 ऐड कर दिया, हमारा ओरिजिनल था 23, 9 ज्यादा ऐड किया था ना तो 9 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ देखो हमने 2 कम ऐड किया तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा। अब ये 9 6 15, 15 में 2 ऐड करोगे आपका कितना आएगा माइनस का 13, और कितने नंबर से हमारे टोटल, हमारे टोटल नंबर है 10, 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.3, अब माइनस किया तो आपका कितना आ गया 46.7, बराबर है। 7 का आपका कितना आ गया, 7 का आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट इज 56, 5 सब्जेक्ट में उसे 56 मिले, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट इज 56, एंड ही गॉट फेल्ड इन 2 पेपर, 2 पेपर्स में फेल हो गया। अब बोला ही पुट पेपर्स फॉर रीचेकिंग, अब आफ्टर रीचेकिंग क्या होता है, ही गॉट 36 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 20 मार्क्स इन वन पेपर एंड 48 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 48 marks in place of 30 marks in second paper and got passed. Find his new average marks in all the 5 subjects. Same वही आपका average into number equal आपका कितना होना है total sum. Average आपका बच्चों कितना है 56. Number क्या है आपके 5 subject हैं तो 5 number multiply by 5. 55 is a 250. 65 is a 30. आपका जाएगा 280. वो 2 पेपर में फेल हुआ है तो अब यही देखिए कि नेक्स्ट में वो नंबर में करेक्शन क्या आ रहा है आपका, ही गॉट 36 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 20 मार्क्स, पहले 20 मिला था जो कि गलत था, रीचेकिंग के बाद उसको राइट वैल्यू कितने मिली है 36, ये फर्स्ट पेपर की बात हो गई। सेकंड में आपको 48 मिला इन प्लेस ऑफ 30, यानी पहले जो 30 मिला था वो रॉन्ग था, पहले जो 30 मिला था वो आपका क्या था, वो रॉन्ग वाली वैल्यू थी ऊपर लिख दी, ओरिजिनल में उसको राइट में कितना मिला 48। वेरिएशन चेक कर लो बेटा आपका कितना है, वेरिएशन आप देखिए आपने क्या किया था 16 कम दिया था तो अभी 16 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ आपने क्या किया था 18 कम दिया था तो अभी यहाँ आपको 18 ऐड करना पड़ेगा, टोटल वेरिएशन आपका बच्चों कितना हो जाएगा 18 6 24 प्लस कितना आ जाएगा 34, प्लस का 34 आपका वेरिएशन में आएगा, तो जो आपका प्लस का 34 वेरिएशन आना ऐड कर दो 4 8 3 11 2 1 3, और कितने सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट तो अभी आपका एक्चुअल एवरेज देखिए कितना आएगा 314 अपॉन में 5। अब इसे डिवाइड कर दीजिए आप, ये आपका 2 1 2, एक सेकेंड, हाँ 314 अपॉन में आपका आ जाएगा 5, 2 से अगर हम करें तो 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, वन डिजिट पे डेसिमल 62.8 ऑप्शन नंबर ए, बराबर है। अगर आप और वाले मेथड से शॉर्ट में करना चाहो 56 एवरेज ये रहेगा ही रहेगा, प्लस में वेरिएशन आपका कितना आया है,
प्लस 34, और ये कितने में जाएगा, ये 5 सब्जेक्ट्स में जाएगा। तो 56 प्लस 5 6 सा देन 5 8 सा, 5 6 सा देन 5 8 सा, ये आपका आ जाएगा 62.8। बराबर है, कितना जाएगा आपका 62.8। कुछ नहीं करना है, सेम वही एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम। इससे पहले रॉन्गली रेड कहा जा रहा था, अभी उसने बोल दिया है कि दो पेपर में उसको फेल हो गया वो, और रीचेकिंग के बाद उसको सही नंबर मिले। तो सेम वही जो नंबर उसको पहले मिले थे 20, वो रॉन्ग में चले जाएंगे, जो 36 मिला वो राइट में चला जाएगा। सेकेंड पेपर में क्या हुआ, उसका 30 जो मार्क मिला था वो रॉन्ग में चला जाएगा, और 48 जो होगा उसका राइट में चला जाएगा। बराबर है, तो कुछ खास नहीं है, आपके क्वेश्चंस काफी इजी हैं, बस थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक, याद कराना रखना है आपको, आपको याद रखना है एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करें, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए आपका क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी 60 केजी, अनदर पर्सन डी ज्वाइंस विद देम, नाउ द एवरेज बिकम्स 55 केजी। इफ अनदर पर्सन ई हुज वेट इज 9/8 ऑफ द वेट ऑफ डी, ई ज्वाइंस द ग्रुप इंस्टेड ऑफ ए, यानी ए की जगह पर ई आ जाए, तो आपका एवरेज वेट होगा बी सी डी एंड ई का 61 केजी। हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ ए, ठीक है, तो सेम वही हम जो करते हैं, क्या होता है हमारा एवरेज इनटू नंबर इक्वल हम क्या करते हैं टोटल सम, एवरेज इनटू नंबर इक्वल हम क्या करते हैं टोटल सम। तो ए बी सी का एवरेज निकालना है हमें, तो ए बी सी का सम कितना होगा बच्चों, ए बी सी का सम क्या होगा, देखिए सम आपका कितना होता है, सम आपका होता है एवरेज इनटू नंबर, तो 60 × 3 इनका सम हमारा हो जाएगा 180। बराबर है, अब अनदर पर्सन डी ज्वाइंस विद देम, नाउ द एवरेज बिकम्स 55। तो अभी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का सम कितना हो जाएगा आपका, एवरेज है 55, नंबर है 4, 55 मल्टीप्लाई 4 ये आपका आ जाएगा 220। हमें अगर डी का एज निकालना हो तो हम क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से ए बी सी की वैल्यू माइनस कर दें। देखिए अगर हम सेकंड वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दें तो यहां पर क्या बचेगा आपका, डी बचेगा, और इस साइड में आपका कितना बचेगा 40, तो डी का वेट बच्चों आपका कितना आ जाएगा 40। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने काम किया, हमने फर्स्ट वाले में से और सेकंड, हमारे पास दो इक्वेशन है, हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया है। अगर सेकंड में से फर्स्ट आप माइनस करोगे तो ए ए बी बी, ए बी बी सी सी, ये माइनस हो जाएंगे, आपके पास बचेगा डी, और 220 में से 180 जाएगा तो डी कितना बच जाएगा आपके पास 40। अब ई का वेट बोला है कि 9/8 ऑफ डी, 9/8 ऑफ डी, तो हमारा हो जाएगा 9/8 इनटू डी की वैल्यू आपकी है 40, सॉरी, तो ई इक्वल आपका आ जाएगा 9/5 45। बराबर है, अब बोला ई जॉइंस दी ग्रुप इंस्टेड ऑफ ए, ई जॉइंस दी ग्रुप इंस्टेड ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए आपका नहीं रहेगा, तो आपके ग्रुप में कितने लोग बचेंगे, बी प्लस सी प्लस डी, और ए की जगह पे भी हमारा आ गया है ई, और अभी इनका एवरेज कितना बन जाएगा बी सी डी का 61, एवरेज 61, तो सम कितना बनेगा 61 मल्टीप्लाई 4, 4 वन जा 4, 4 सिक्स जा 24, 4 वन जा 4, 4 सिक्स जा 24, बराबर है 244 बन जाएगा आपका। हमसे पूछा है कि फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए एंड ई टुगेदर, एवरेज एज ऑफ ए एंड ई टुगेदर, एवरेज एज ऑफ ए एंड ई टुगेदर, बराबर है, इतना बराबर है। तो देखिए ई का एज हमारे पास 45 है, तो अगर हम बी प्लस सी प्लस डी निकालें तो ई का एवरेज, ई का जो एज हमारा 45 है, दूसरी ओर जाकर वो क्या होगा, माइनस होगा, तो हमारा आ जाएगा 199। तुम्हारे पास बी प्लस सी प्लस डी हमारे पास कितना आ गया है, 199 आ गया है। बराबर है, अब देखिए अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 माइनस कर दें तो बी सी डी ई इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमको ए मिल जाएगा, और ए का एज हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। देखिएगा बी सी डी, बी सी डी माइनस हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ए, ठीक है, और 220 में से 199 जाएगा तो कितना बचेगा, ए। हमें ए और ई का एवरेज एज बताना है,
तो हमें बताना है ए प्लस ई, और दो लोग एवरेज हैं तो इनको टू से डिवाइड करेंगे सम को, तो ये हमारा बराबर में आ जाएगा। ए की वैल्यू है 21 प्लस ई की वैल्यू है 45/2, 5162, 6 अपॉन 2, ये बराबर में आपका आ जाएगा 33, ऑप्शन नंबर ई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, हल्का सा थोड़ा नए तरीके का है, बट हम फॉर्मूला सेम वही लगा रहे हैं बेसिक वाला जो हमने पहले दिन में सीखा है। और हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम। पहले उसने एबीसी का एवरेज दे दिया 60, तो सम आ जाएगा 60 × 3 = 180। फिर अनदर पर्सन डी ज्वाइन करता है उनको, तो चार लोग हो जाएंगे हमारे, 4 पीपल हो जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन फोर का सम कितना आ जाएगा हमारा, एवरेज 55 था, एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम, तो 55 × 4 = का टोटल सम आ जाएगा 220। अब हमें अगर डी निकालना है तो हमें काम करें, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दें, एबीसी कट जाएंगे, डी बचेगा हमारा, और 220 माइनस 180 हमारे पास कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब इसके बाद में हमें ई की एज पता है, ई की एज हमारे दिया हुआ है उसने कि इफ अनदर पर्सन ई हुज वेट इज 9/8 ऑफ वेट ऑफ डी, ई का वेट उसने कितना दे दिया, 9/8 ऑफ डी, तो ई का वेट आप 9/8 ऑफ डी निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 45, बराबर है। अब इसके बाद बोला कि इफ ई ज्वाइंस द ग्रुप इंस्टेड ऑफ ए, इंस्टेड ऑफ ए का मतलब है कि ए की प्लेस, ए का प्लेस ई ले ले, तो वही हुआ, ई यहां पर आ गया ए के प्लेस पर, तो ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका एवरेज दिया था 61, तो इनका सम आ जाएगा 61 × 4 = 244। अब ई का एज हमको मालूम है कितना होता है, 45 है, 45 हमने इधर दूसरी ओर जाएगा तो माइनस होगा, तो हमारा आ जाएगा 199। हमें ए की एज निकालनी है, तो हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को देखें, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को देखें, तो अगर इक्वेशन 2 में से 3 माइनस कर दें तो बी सी डी जो कॉमन है ये तीनों कट जाएंगे, ए बचेगा और 220 में से 199 जाएगा, तो आपके पास 21 बचेगा, बराबर है। हमें बताना है एवरेज एज ऑफ ए एंड ई टुगेदर, एवरेज एज ऑफ ए एंड ई टुगेदर, तो ए आपका कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 21, ई आपका कितना, ई आपका है 45, 21 प्लस 45 एवरेज निकालना है अपॉन में 2, 66 अपॉन में 2 आपका कितना आ गया, ये 33 आ गया, बराबर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका 10 नंबर दिया हुआ है, 7 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इज 47, 7 स्टूडेंट हैं क्लास में और एवरेज वेट है उनका 47। अब बोला इफ द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 36, फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 36 एंड एवरेज वेट ऑफ लास्ट 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 55.25 kg। अब पूछ रहा है फोर्थ स्टूडेंट का हमें बताओ वेट, तो सेम वही एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम, एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम। देखिए एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम आपका जो फॉर्मूला है इसी से मैं आपके एवरेज के सभी क्वेश्चन करवा सकता हूं, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले से मैं आपके सभी क्वेश्चन करा के आपको दूंगा, ठीक है। रियरली कहीं होंगे कि एक दो क्वेश्चन कहीं थोड़े से और कॉन्सेप्ट में घुसेंगे, थोड़े से और कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएंगे वो, अदरवाइज आपका एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम से एवरेज के सभी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। केवल प्री ही नहीं आपके मेंस में भी ये साथ में काम में आएगा, तो थोड़ा ध्यान से सीखते रहिए और देखते रहिए कि कॉन्सेप्ट लग कैसे रहा है और कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सीखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा आपका क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को, कि आपके क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्या, क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने लगी तो फिर आपको समझ लीजिए कि आ गया, सब कुछ आ गया, और मैथ आपका प्योरली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बन गया तो फिर आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन के आगे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा रहे हैं, हमारा वही सदाबहार एवरग्रीन फॉर्मूला, एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम। स्टूडेंट कितने हमारे पास, 7 है तो नंबर 7, एवरेज कितना हमारे पास 47 है, टोटल सम कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 49, कह रहा है 4 × 7 = 28 + 4 आपका 32, बराबर है। बोला एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि नंबर 4 होगा, उनका एवरेज कितना होगा 36, 36 फोर का आपका होता है 34 × 120, 6 × 24 ये आपका होता है 144, ठीक है, ये आपका कितना आ गया 144 आ गया। अब इसके बाद बोला है कि लास्ट 4 यानी फिर से 4 स्टूडेंट का, और ये लास्ट वाले 4 हैं, ये आपका कितना है 55.25,
अभिनय करिए आप, ठीक है। 25 4 आपका 1 हो जाएगा, 55 2 110, 2 220 ये आपका जाएगा 221, ये आपका जाएगा 221। देखिए 54 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो आपका 220 आएगा, 0.25 को 4 से आप करोगे तो 1 आएगा, आपका आ गया 221। अब इन्हें आप ऐड कर लो, तो हमारे पास देखिए 4 4, हमारे पास 8, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 8 पर्सन 8 पीपल का सम आ जाएगा, हमारे पास 8 स्टूडेंट का सम आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 417, 426 और 213, हमारे पास 8 स्टूडेंट 367 है, बट 7 हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास कितने 329 के। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 आए, इन 7 का 1 टाइम्स हम हमारा कितना है 329 है। जब हमने 4 4 किए तो देखिए, एक बार हमने स्टार्टिंग के 4 ले लिए, दूसरे हमने लास्ट वाला 4 ले लिया, तो हमने क्या किया, हमने इस 4 को 2 बार काउंट किया है, हमने इस 4 को बच्चों क्या किया है, हमने इस 4 को 2 बार काउंट किया है, जो हमारा 4th प्लेस वाला पर्सन है इसके हमने 2 बार काउंट किया। अब 2 बार काउंट किया है तो हमारा सम कितना आया है, 2 बार काउंट करने पर हमारा सम आया बच्चों 367, 2 बार काउंट करने पर हमारा आया है आंसर 367 आया इनका सम, 1 बार काउंट करने पर 329। तो अगर 1 बार की काउंटिंग वाले को आप माइनस कर दो इसमें से, तो आपको 4 वाला नहीं मिल जाएगा, 17 में से 9 गया 8, 5 में से 2 गया 3, आपका कितना आ जाएगा 38, आपका कितना आ जाएगा 38। एक सेकंड सम चेक कर लीजिए एक बार, ये आपका कितना आ जाएगा 415, एक मिनट, हाँ ये सम देख लीजिए, हाँ ये आपका आ जाएगा 415, 426 और 213, 365 आपका आएगा। देखिए जब हमने एक बार सिर्फ और सिर्फ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 निकाला, आपका कितना है 329। जब स्टार्टिंग के 4 आप लोगे तब भी आप 4 को काउंट कर रहे हो, और जब आप लास्ट का 4 लोगे तब भी आप 4 को काउंट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, सेकंड वाली कंडीशन जहां पर हमारे पास 8 पीपल आए, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 4th पर्सन को 2 बार काउंट किया है। तो अगर एक बार हम माइनस कर दें, तो एक बार माइनस करने के लिए हम क्या करें, इस 7 वाले को पूरा इसमें से माइनस कर दें तो कितना आएगा, तो इस 7 की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी थी, हमारी थी 329, माइनस करो 15 में से 9 गया 6, 5 में से 2 गया 3, आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 7 पीपल का पूरा सम निकालो, आपका आ जाएगा एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम, 47 मल्टीप्लाई 7 इक्वल आपका वो आने लगेगा 329। देन फर्स्ट 4 का निकालोगे 144 आएगा सम, लास्ट 4 का निकालोगे 221 आएगा, बट फर्स्ट 4 और लास्ट 4 में आपका क्या हो रहा है, 4 नंबर आप 2 बार काउंट कर रहे हो, तो अगर आप इस 8 में 2 बार काउंट कर रहे हो तो ये 7 वाले को माइनस कर दो, तो एक बार 4 आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, तो एक बार जो बचेगा उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 36 आंसर बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जा रहा है। अभी आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम पाइपलाइन में है, तो आरबीआई असिस्टेंट में प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से सिर्फ थोड़े से चेंजेस करके सेम कॉन्सेप्ट पे हर साल एक ना एक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका इस नजरिए से, एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 60 kg, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 60 kg, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन क्लास इज 72 kg। अब बोला एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 16 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 8 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। एवरेज वेट उसने दे रखा है बॉयज का, हम थोड़ा लिख लेते हैं पहले, एवरेज वेट बॉयज एंड गर्ल्स का लिख लेते हैं। बॉयज का एवरेज बच्चों आपका कितना है 72। अब बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन क्लास इज 16 kg मोर, 16 kg मोर देन है गर्ल्स, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा 72 माइनस में 16, तो गर्ल्स का एवरेज वेट आपका हो जाएगा 56, बॉयज का 72। अब बोल रहा है कि एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज का नंबर अगर हम x मान ले तो गर्ल्स के बारे में क्या बोला है, गर्ल्स इन द क्लास इज 8 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 8 ज्यादा है तो आपका कितना हो जाएगा x + 8 बराबर। हमें बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब सेम वही हम करेंगे, एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम, हम क्या लगाते हैं फार्मूला, हम फार्मूला अपना लगाते हैं हमेशा एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम। तो अब देखिए बॉयज का टोटल सम आपका कितना होगा, बॉयज का टोटल सम आपका होगा
72 एवरेज है, नंबर है x, 72 मल्टीप्लाई x, 72x हो गया। गर्ल्स का हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई x प्लस 8, 56 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा x प्लस 8। टोटल देखिए हमारे पास में, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हो जाएंगे, बॉयज हो गए x और साथ में हमारे पास में गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई हमारे पास में x प्लस 8, ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट हो गए बॉयज प्लस गर्ल्स। और टोटल क्लास का हमारे पास एवरेज कितना था 60, बस हो गया। अब देखिए आपके सामने जैसे ही पहला इक्वेशन बन गया आपका क्वेश्चन, इसके आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, क्योंकि इक्वेशन बन गया तो अब सॉल्व हो गया बराबर में, कुछ नहीं करना था। दोनों का एवरेज वेट निकालना था, बॉयज का दिया हुआ था, गर्ल्स के बारे में बोला था कि बॉयज का जो वेट है, एवरेज वेट है, वो गर्ल्स से 16 ज्यादा है, तो गर्ल्स का क्या होगा 16 कम होगा 56 आ गया। अब गर्ल्स के बारे में बोला है कि गर्ल्स जो है हमारे बॉयज से 8 ज्यादा है, तो बॉयज एक्स होंगे तो गर्ल्स कितने होंगे एक्स प्लस 8। अब दोनों का नंबर आ गया तो टोटल सम को इक्वल कर लो, बॉयज का सम आएगा एवरेज इंटू नंबर, गर्ल्स का सम आएगा एवरेज इंटू नंबर, फिर टोटल का आएगा टोटल स्टूडेंट बॉयज प्लस गर्ल्स इंटू कितना हो जाएगा उनका एवरेज। अब सॉल्व करते हैं इसे, ये आपका 72 है, सबसे पहले तो आपका 4 से कट रहा है, अगर आप चाहो तो इसे 4 से कट कर सकते हो, पहले 4 15 15 4 60 होता है, 4 14 4 18 18 4 72 होता है, ये आपका जाएगा 18x प्लस 14x प्लस 14 8 112 इक्वल में आपका आ जाएगा ये x x 2x 15 2 30x और प्लस आ जाएगा 15 8 120 बराबर है इतना। अब आगे देखिए 18 प्लस 4 32x होगा, 30x इधर माइनस होगा तो 2x, 112 उधर जाके माइनस होगा तो आपका बचेगा 8, तो x की वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी 4, 2 4 8, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। उसने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों आपके कितने, टोटल नंबर है आपके x हो गए बॉयज तो हो गया 4 और गर्ल्स हो गई आपकी x की वैल्यू 4 प्लस 8, ये बराबर आपका आ जाएगा 4 4 8 8 2 16, आपका आंसर आ गया 16 ऑप्शन नंबर सी बराबर है। कुछ नहीं करना है, इनका एवरेज वेट निकल के आ जाएगा आसानी से, इनका नंबर नहीं दिया हुआ है तो उन्हें आप एक्स के फॉर्म में मान लीजिए, गर्ल्स को बोला है कि बॉयज से 8 ज्यादा है, तो बॉयज अगर एक्स होंगे तो गर्ल्स आपकी कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स आपकी हो जाएंगी एक्स प्लस 8। फिर उसके बाद सेम वही एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम लगाया हमने, एक्स की वैल्यू मिल गई तो हमने टोटल स्टूडेंट बता दिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एवरेज एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 4 इयर्स इज 32 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स 32 इयर्स है। तो देखिए मैंने बताया था कि जब किसी एवरेज में आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो तो हर एक वैल्यू में भी उतने का मल्टीप्लाई होता है, अगर आप किसी एवरेज में किसी नंबर का ऐड करो तो हर एक नंबर में भी उतने का एडिशन होता है। देखिए आफ्टर 4 इयर्स 32 है, आफ्टर 4 इयर्स को मैं प्लस 4 इयर्स से दिखाता हूं। अब ए और बी का एवरेज कितना है आपका 32 है, अब अगर आफ्टर 4 ईयर में इनका एवरेज 32 है तो अभी करंट में कितना होगा, करंट मतलब क्या होगा अभी वाले से माइनस 4। अब अगर हर एक वैल्यू में देखिए ए और बी का जो भी आपका एज होगा तो इन दोनों में भी ऊपर तक जाने तक माइनस 4 होगा, अगर इन दोनों में माइनस 4 होगा तो क्या होगा इनके एवरेज में भी माइनस 4 होगा। तो ए और बी का अभी करंट में यानी जीरो ईयर के टाइम पे यानी जीरो वाली ईयर वाली कंडीशन आपकी प्रेजेंट वाली, अभी इनका एवरेज कितना होगा, देखिए अगर 4 ईयर के बाद इनका 32 है तो 4 ईयर के पहले के लिए क्या होगा, इन दोनों का एवरेज 4-4 से कम होगा, इन दोनों का एज भी 4-4 से कम होगा, अब अगर एज 4-4 से कम हो तो एवरेज भी 4-4 से कम होनी है, तो इनकी इनका एवरेज कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ए और बी का हमारे एवरेज कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा प्रेजेंट कंडीशन में। तो मैं लिख रहा हूं अभी प्रेजेंट सम, अगर एवरेज इनका 28 होगा, अगर एवरेज इनका 28 होगा प्रेजेंट में तो इनका सम कितना होगा 28 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में 56। अब दिया हुआ दी एवरेज एजेस ऑफ सी एंड डी इज 35 इयर्स, इन्हें 4 इयर्स से मत कनेक्ट करिएगा क्योंकि एंड के बाद इनकी इंफॉर्मेशन दी गई, मींस इसके बाद में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है एवरेज एज ऑफ सी एंड डी इज 35 इयर्स, प्रेजेंट सम आपका किसका था, प्रेजेंट सम आपका है ये है ए प्लस बी जो आपका बराबर कितने के 56 के। आपका सी एंड डी का देखिए कितना आएगा, एवरेज अगर 35 है तो इनका सम कितना होगा 35 मल्टीप्लाई 2 इक्वल इनका सम होगा 70 इयर्स। अब दिया हुआ एंड दी एवरेज एजेस ऑफ ए एंड सी, एंड दी एवरेज एज ऑफ ए एंड सी
एट ईयर्स अगो इज 25 ईयर्स। अब वही देखिए, 8 ईयर्स अगो अगर ए एंड सी का एवरेज, अगर आपका 8 ईयर्स अगो अगर आपका 25 है तो प्रेजेंट क्या होगा? अगर 8 ईयर्स अगो 25 है तो प्रेजेंट में आने के लिए 8 का ऐड करना पड़ेगा, तो इनका एवरेज होगा अभी 25 + 8। अगर इनका सम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। 25 8 इनका हो जाएगा 25 5 30, 33 इनका बराबर में हो जाएगा सम 66। हमसे पूछा फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ बी एंड डी। बी एंड डी का हमको क्या करना है बच्चों, बी एंड डी का हमको सम निकालना है, बी एंड डी का सम निकालना है, ठीक है। बी एंड डी का हमें सम निकालना है। अब देखिए हमारे पास में 3 इक्वेशन है, इन्हीं में हमको कैलकुलेशन करके बी एंड डी का सम निकालना होगा। बी और डी की एज हमें चाहिए, सी प्लस डी है हमारे पास में, हाँ बी एंड डी का हमको सम चाहिए होगा। तो अगर हम 3 - 1 करें, अगर हम 3 - 1 करें तो देखिए ए ए आपका कट जाएगा, हमारे पास में बच जाएगा C - B, हमारे पास में बच जाएगा ये C - B इक्वल में 10 बच जाएगा। 3 - 1 अगर हम करें तो ए चला जाएगा, C - B हमारे पास में बच जाएगा, 10 बच जाएगा ये, ठीक है। हमारे पास बस इतना ही दिया हुआ था, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 4 ईयर्स इज 32, आफ्टर 4 ईयर 32, अभी हो जाएगा 28, 28 2 56। एवरेज एज ऑफ सी एंड डी इज 35 ईयर्स, तो इनका सम हो जाएगा 70। एवरेज एज ऑफ ए एंड सी 8 ईयर्स अगो वाज 25, तो अभी हो जाएगा 20 33 मल्टीप्लाई टू 66, ठीक है। हमें निकालना है सम ऑफ एज ऑफ बी एंड डी, बी और डी का हमें सम निकालना है, ठीक है। सी एंड सी माइनस बी आपका आ गया 10 आ गया ये, इन्हें ऐड करने से कुछ नहीं निकलेगा, ओके हाँ सी माइनस बी हमारा आ गया इतना। अब अगर हम इसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ओके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हम कर दें, और इसमें से अगर हम ए बी सी डी आ जाएगा हमारे पास, ए सी माइनस कर दें तो हमारे पास बी डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप 1 + 2 करो तो आपके पास में कितना आएगा, आपके पास में आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपके पास में आ जाएगा 6 0 6 7 5 12, ठीक है। हमें चाहिए बी एंड डी का चाहिए। अब अगर इसमें से थर्ड वाला माइनस कर दो, ये जो आपका सन है फोर्थ बना, अगर आप फोर्थ में से थर्ड वाला माइनस कर दो तो देखिए ए बी सी डी में से आपका ए सी चला जाएगा आपका, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बी प्लस डी, और इस सामने आपका कितना होगा 126 - 66, ये बचेगा 6 में से 0 हो गया, 6 में 6 गया 0, 12 में 6 गया 6, तो बी प्लस डी होगा आपका 60। हमें यही तो पूछा था फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ बी प्लस डी, बी एंड डी, तो बी एंड डी हमारे पास में बी प्लस डी बराबर कितने में आ गया है, 60 आ गया है। ये करने की आपकी जरूरत नहीं थी। तो याद रखिए जब ऐसा इक्वेशन बन जाता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि आपके जो वैल्यू पूछी जा रही है वो आ कहाँ से सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक की वैल्यू निकाल पाना मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा, थोड़ा सा वो और भी ज्यादा जटिल होगा, मुझे लगता है वो तो सी एंड डी आएगा। उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे 2 का पूछा, बी एंड डी का, हमसे पूछा फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ बी एंड डी। तो यहाँ तक जो हमारा ए प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस सी आ गया है, तो हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा, यहाँ पर रुक करके 2 मिनट पॉज देना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कैसे आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो मैंने पहले 1 एंड 2 को ऐड कर लिया, ए बी सी डी आ गया, देन मैंने 3 वाले को माइनस कर दिया, तो ए और सी माइनस हो गया, हमारा बच गया बी और डी, तो बी प्लस डी इक्वल हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। याद रखिए वो जो मैंने बताया था कि एवरेज में, अगर पूरे एवरेज में कोई चेंज हो रहा है तो हर एक में इंडिविजुअल भी चेंज होगा, अगर हर एक इंडिविजुअल में चेंज हो रहा है तो एवरेज में भी वो चेंज होगा। उसने बोला था कि आफ्टर 4 ईयर्स इनका होगा 32, तो अभी में कितना होगा, अभी यानी कितना 4 ईयर कम करना पड़ेगा एवरेज में, तो कितना हो जाएगा 28, तो सम आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 2। सी प्लस डी का तो 70 दे ही रखा था, ए प्लस सी के बारे में भी दे रखा था कि एवरेज ऑफ एज ऑफ ए एंड सी 8 ईयर्स अगो इज 25, 8 ईयर अगो 25, यानी 8 साल पहले, तो प्रेजेंट में आने के लिए 8 का ऐड करेंगे, 25 + 8, सम चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमारे पास में 2 क्वांटिटीज यहाँ पर ए प्लस सी, ठीक है। आगे हमारे 3 इक्वेशन बन गए, इन्हें सॉल्व किया तो हमारा आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 28 स्टूडेंट्स इज एक्स, इफ 4 न्यू स्टूडेंट्स जॉइन द क्लास हुज एवरेज वेट इज एक्स प्लस 8 केजी, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास, देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास बिकम्स 51।
फाइंड द टोटल वेट ऑफ द फोर न्यू स्टूडेंट्स. फोर न्यू स्टूडेंट्स का हमें टोटल वेट बताना है. सेम वही हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर इक्वल में टोटल सम. एवरेज वेट ऑफ 28 स्टूडेंट्स, नंबर हमारे पास में 28, एवरेज बच्चों कितना है x, तो हमारा टोटल सम कितना आ जाएगा 28x. अब बोला फोर न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस, 28 था, फोर न्यू ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 32. अब बोला कि दी क्लास ज्वाइन दी क्लास हुज एवरेज वेट इज एक्स प्लस एट, तो टोटल वेट उनका कितना होगा. देखो फोर का एवरेज वेट हमारा है एक्स प्लस एट, तो उनका टोटल वेट कितना होगा एक्स प्लस एट इंटू फोर, क्योंकि टोटल सम हमारा कितना होता है एवरेज इंटू नंबर. एवरेज एक्स प्लस एट, फोर स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो सम हो जाएगा हमारा फोर इंटू एक्स प्लस एट. अब बोला देन द एवरेज वेट ऑफ क्लास बिकम्स 51, पहले एक्स था अभी हमारा एवरेज कितना बन जाएगा, अभी हमारा एवरेज बन जाएगा 51. लिखा हुआ है ना एवरेज वेट ऑफ क्लास बिकम्स 51 केजी. फाइंड द टोटल वेट ऑफ द फोर न्यू स्टूडेंट्स. अब यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. हाँ तो करते हैं, सबसे पहले 4 का डिवाइड कर देते हैं, 4 7 जा 4 8 सा बराबर है. अब 8 1 जा 8, 8 5 जा आपका आ जाएगा 8 5 जा 40, इक्वल में आपका ये 7 है तो आपका आ जाएगा 7x, प्लस ब्रैकेट से निकलेगा तो x प्लस 8, ये आपका आ जाएगा 8x, और 8 इधर माइनस होगा तो 400 हो जाएगा. तो x इक्वल आपका देखिए कटेगा तो 8 5 जा 0, x इक्वल बच्चों आपका आ जाएगा 50. हमसे उसने पूछा है फाइंड द टोटल वेट ऑफ द फोर न्यू स्टूडेंट्स. फोर न्यू स्टूडेंट्स का बच्चों आपका टोटल वेट कितना है, ये रहा आपका फोर न्यू स्टूडेंट्स का टोटल वेट x प्लस 8 इंटू 4, हमें इसकी वैल्यू बतानी है. x की वैल्यू हमारे आगे 50 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 54 जा 200 और 48 जा 32, ये आपका आ जाएगा 232 ऑप्शन नंबर सी. आपका कितना आ जाएगा 232 ऑप्शन नंबर सी बराबर है. कुछ नहीं करना था, 28 स्टूडेंट्स का एवरेज उसने दे रखा है x, तो टोटल सम कितना हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम, x मल्टीप्लाई 28 इक्वल हमारा हो गया है 28x. अब बोला फोर न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंस, फोर ज्वाइन करेंगे हमारे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे 32 हो जाएंगे, और नया एवरेज उनका कितना बन जाता है 51. अब सामने में देखिए 20x से 8x टोटल सम है, अब इसमें और सम जो ऐड होगा वो क्या होगा, फोर का सम ऐड होगा. उन फोर जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका एवरेज x प्लस 8 बराबर है, उनका एवरेज वेट कितना x प्लस 8 है, तो सम हमारा क्या होता है टोटल सम एवरेज इनटू नंबर. एवरेज वेट है x प्लस 8 और ये हमारा नंबर रहा 4, तो एवरेज वेट इनटू नंबर उनका टोटल सम आ गया. अब इन्हें हमने पहले इन्हें 4 से डिवाइड कर दिया कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए, 4 1 4 4 7 28 4 8 32, फिर हमने इसे निकाला तो हमारा x आ गया 50. अब हमसे बच्चों उसने पूछ रखा था फाइंड द टोटल वेट ऑफ द फोर न्यू स्टूडेंट्स. फोर न्यू स्टूडेंट का वेट तो देखिए एवरेज इनटू नंबर, x की वैल्यू 50 आ गई प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा आ गया 232 kg आंसर बराबर है. देन थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए सीखते रहिए, एंड प्रैक्टिस मेक्स अस ऑल परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करना मत छोड़िए. ठीक है, थैंक यू.